हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 7 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचारों की। द फोर्थ ऑफ इंडियन नेवीज स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वेला वाज लॉन्च्ड एट द कान्होजी एंग्रे वेट बेसिन ऑफ मैजॉक डॉक लिमिटेड एट मुंबई इन महाराष्ट्र। द सबमरीन हैज बीन नेम्ड वेला आफ्टर एन अर्लियर सबमरीन विच वॉज द लैड सबमरीन ऑफ द ईस्ट वाइल वेला क्लास। द सेकेंड बैच ऑफ द फॉक्स ट्रॉट क्लास सबमरीन एक्वायर्ड फ्रॉम अर्थवाइल USSR। भारतीय नौसेना की परियोजना 75 की चौथी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला का चौथा प्रक्षेपण महाराष्ट्र के मुंबई में मजगांव डॉक लिमिटेड के कान्होजी आग्रे वेट बेसिन में किया गया। पनडुब्बी को एक पूर्व पनडुब्बी के आधार पर वेला नाम दिया गया था, जो कि पूर्व की पनडुब्बी थी। यह वह USSR से हासिल की गई फॉक्स ट्रॉट क्लास की पनडुब्बियों का दूसरे बैच की तत्कालीन वेला श्रेणी की थी। नेक्स्ट, INS रणजीत एन इंडियन नेवी डेस्ट्रॉयर बिल्ट बाय अर्थवाइल USSR इज सेट टू बी डिकमिशन्ड द थर्ड ऑफ द 5 कैसिन क्लास डेस्ट्रॉयर्स। It was commissioned in 1983 and has rendered service to the Navy for over 36 years. The ship will be decommissioned at a solemn ceremony at the Nepal Dockyard in Visakhapatnam. USSR द्वारा निर्मित भारतीय नौसैनिक विध्वंसक INS रंजीत विंगटन के लिए तैयार है। यह 5 कासिन श्रेणी के विध्वंसक में से तीसरा है। इसे 1983 में कमीशन किया गया था और इसने 36 वर्षों से नौसेना के लिए सेवा प्रदान की है। जहाज को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में नष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया विल बी अटेंडिंग द ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस मीट ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन बायरिट्ज इन अगस्त अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया चिली एंड साउथ अफ्रीका। द फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया अलेक्जेंडर झीलर स्टेट दैट वन ऑफ द इश्यूज ऑन द एजेंडा ऑफ द G7 मीट वुड बी फाइटिंग टेररिज्म इन साइबर स्पेस। भारत अगस्त में बी अर्थरिज में फ्रांस द्वारा आयोजित ग्रुप ऑफ 7 औद्योगिक देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल होगा। भारत में फ्रांसीसी राजदूत अलेक्जेंड्रे जिगलर ने कहा कि G7 बैठक के एजेंडे में से एक मुद्दा साइबर स्पेस में आतंकवाद से लड़ना होगा। नेक्स्ट, ए जापानीज एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी INC है सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट MOMO-3 इनटू स्पेस। द अननेम्ड MOMO-3 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट साइट इन होकेडो एंड रीच्ड अबाउट 110 किलोमीटर्स 68 माइल्स इन एल्टीट्यूड बिफोर फॉलिंग इन टू द पैसिफिक ओशियन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम। एक जापानी एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी इंक ने पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट MOMO-3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। मानव रहित MOMO-3 को होक्काइडो में अपने परीक्षण स्थल से लॉन्च किया गया और यह उड़ान के 10 मिनट के बाद प्रशांत महासागर में गिरने से पहले लगभग 110 किलोमीटर 68 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया था। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लॉन्च्ड ए $5 बिलियन एक्शन प्लान फॉर हेल्थी ओशियन एंड सस्टेनेबल ब्लू
इकोनॉमिक्स फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन एट द 52nd एनुअल मीटिंग ऑफ एडीबीज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन फिजी. इट विल एक्सपांड फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर ओशियन हेल्थ एंड मरीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स टू 5 बिलियन फ्रॉम 2022-2024. एशियाई विकास बैंक ने फिजी में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 52वीं वार्षिक बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए स्वस्थ महासागरों और सतत ब्लू अर्थव्यवस्थाओं के लिए 5 बिलियन डॉलर की कार्य योजना शुरू की है. यह 2019 से 2024 तक महासागर स्वास्थ्य और समुद्री अर्थव्यवस्था परियोजनाओं के लिए 5 बिलियन डॉलर तक के वित्त पोषण और तकनीकी सहायता का विस्तार करेगा. आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की, तो फ्लिपकार्ट ओवन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा अनाउंस दैट इट हैड अपॉइंटेड सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर. मिंत्रा हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड कैंपेन कॉल्ड गो मिंत्रा लाला विच विल बी प्रोमोटेड अक्रॉस टेलीविजन प्रिंट डिजिटल एंड आउटडोर. फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने घोषणा की है कि उसने प्रसिद्ध जोड़े विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जिनमें से विराट कोहली क्रिकेटर है और अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस अभिनेत्री है, को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. मिंत्रा ने गो मिंत्रा लाला नामक एकीकृत अभियान शुरू किया है जिसे टेलीविजन प्रिंट डिजिटल और आउटडोर में बढ़ावा दिया जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट समझौते की, तो इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अनाउंस्ड ए 5-year multi-million-dollar IT आउटसोर्सिंग डील विद द टीच गिगंट IBM. द कंपनी डिड नॉट डिव्यूग द साइज ऑफ द डील बट सम रिपोर्ट्स पेल्ट इट एट अबाउट $700 million. भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने प्रौद्योगिकी दिग्गज IBM के साथ 5 वर्ष की multi-million-dollar के IT आउटसोर्सिंग समझौते की घोषणा की है. कंपनी ने समझौते के आकार को प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों ने इसे लगभग $700 million पर आका है. नेक्स्ट, कॉमन सर्विस सेंटर CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ए स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैड टाइड अप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर टू अपस्केल उन्नत भारत अभियान. उन्नत भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD. इट एम्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल ग्रोथ इन रूरल इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन कॉमन सर्विस सेंटर्स है. ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए करार किया है. उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है. उन्नत भारत अभियान के तहत IIT कानपुर उत्तर प्रदेश के 15 उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साथ लाया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सिलेक्ट ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑन 5 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स इंक्लूडिंग वोडाफोन एम्पेसा एंड फोनपे फॉर वायोलेटिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस. भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वोडाफोन एम्पेसा और फोनपे सहित 5 प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. नेक्स्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प स्पेस एक्स लॉन्च्ड इट्स 17th कमर्शियल रिसप्लाई सबमिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS बाई यूजिंग फाल्कोन 9 रॉकेट विद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट. द 213-foot-tall रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम कैप कैनवार एयर फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा. दिस मिशन इज ए पार्ट ऑफ नासाज कॉमर्शियल रिसप्लाई सर्विसेज CRS प्रोग्राम विच यूजेज कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट टू डिलीवर कार्गो टू द ISS. स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेस एक्स ने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के साथ फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना 17वां वाणिज्यिक पुनः आपूर्ति मिशन लॉन्च किया है. 213 फुट लंबा रॉकेट फ्लोरिडा के कैप कैन वेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था. यह मिशन नासा के कमर्शियल रिसुप्ली सर्विसेज कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो ISS में कार्गो को पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है.
नेक्स्ट आइए बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें एवं लेखकों की। तो पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन एंड स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड गेम चेंजर। द बुक इज को ऑथर्ड बाई अफरीदी एंड जर्नलिस्ट वाघाट एस खान। ही प्लेड 27 टेस्ट, 398 वनडे एंड 99 T20s एंड रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2017। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने गेम चेंजर शीर्षक के साथ अपनी आत्मकथा जारी की। इस पुस्तक के सह लेखक अफरीदी और पत्रकार वजाहत एस खान हैं। उन्होंने 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 खेले और 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। तो एस इंडियन स्क्वाश प्लेयर सौरव घोषाल एंड जोशना चिनप्पा वॉन दियर रेस्पेक्टिव एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल इन कुआलालंपुर मलेशिया। प्रमुख भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों सौरव घोषाल और जोशना चिनप्पा ने कुआलालंपुर मलेशिया में अपने संबंधित एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के खिताब जीते। सौरव घोषाल ने हांगकॉन्ग के लिए और चुन मिंग को हराया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं ऑप्टूरिज निधन की। तो प्रोमिनेंट राइटर एंड अकेडमियन मरम राजू सत्यनारायण राव पास्ट अवे फॉलोइंग ए कार्डिक अरेस्ट। ही वाज 84 ईयर्स ओल्ड। ही वाज बोर्न एट जयराम विलेज इन महूबाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। ही हैड वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड रजिस्ट्रार ऑफ अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। प्रख्यात लेखक और शिक्षाविद मरम राजू सत्यनारायण राव का पूर्ण हृदय रोग के बाद निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। उनका जन्म तेलंगाना में महबूबाबाद जिले के जयराम गांव में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर और अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। और लास्ट न्यूज की बात करते हैं मिसलेनियस विविध समाचार। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव नेम्ड ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स GREVD टू काउंट डेथ्स कॉज्ड बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डिस्प्ले दीज इन ओपन सोर्स डाटाबेस। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर में सभी प्रकार की हिंसा के कारण होने वाली मौतों की गणना करने और इन्हें ओपन सोर्स डेटाबेस में प्रदर्शित करने के लिए ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स नामक एक नई पहल शुरू की है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। और इस वीडियो को PDF का डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।